निकला जिंदाबाद, लड़ेंगे लड़ेंगे संघर्ष के मैदान में, संघर्ष के मैदान में सभी सदस्य और इस कार्यक्रम में आए हुए उन जन आंदोलन के सभी निरीक्षकर्ता और दिल्ली के पुत्रीवर और दिल्ली सरकार, इन सबको जन मुक्ति मोर्चा की तरफ से लाल जोहार है और जय जोहार है। हम वो इनकलाब है, जुल्म के जवाब है, हर शहीद का गरीब का हमें जवाब है। मुझे दुख लग रहा है कि क्षेत्र के जो बचाने वाले जो साथी, जो आवाज उठाने वाले साथियों को यहाँ पे कंपनी और प्रशासन मिलके उनको एक साजिश तौर पे लोगों को जेल में डाल देते हैं और और हम लोग देख रहे हैं कि भारत सरकार एक तरफ COP26 में जाती है और दूसरी तरफ हसदेव का जो जंगल है उसको काटे जाने की खबरें लगातार 2 साल से मीडिया में आ रही हैं और यहाँ करके पता चला कि ये पूरी कार्रवाई पिछले 10 सालों से चल रही है। हसदेव का पूरा क्षेत्र, जो कोयला का जो क्षेत्र है, वो करीब 1,70,000 हेक्टेयर है और उसमें 23 कोल ब्लॉक है जिसमें टोटल जो कोयला है एस्टिमेटेड अनुमान लगाया गया है जो एक साइंटिफिक ढंग से वो है लगभग 1.4 बिलियन टन, मतलब 140 करोड़ टन। जिस क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, उस क्षेत्र में बिना ग्राम सभा किए बगैर वहां के वन वनों की स्वीकृति हासिल की गई। जब लोग वहां पे बार बार उस चीज को बताया जा रहा है कि नहीं हमारे साथ में अन्याय हुआ है, हम ग्राम सभा कोई भी स्वीकृति नहीं दिया है खदान खुलने के लिए, लेकिन सरकार उन पर आंख मूंद के बैठी है। यहाँ सरगुजा से 300 किलोमीटर पैदल पदयात्रा करके हिंदों के महिलाएं साथी, छोटे बच्चे साथी और हमारे जो नवयुवक लड़के आए और सरकार से मिले कि हमारे साथ में जो फर्जी ग्राम सभा कंपनी और सरकार मिलकर करवाई है जो अन्याय है, लेकिन वहाँ पे सरकार आज तक कुछ नहीं की। अभी जो फिर वहाँ पे जो काटी गई जिसमें हमारे जितने मुख्य आंदोलनकारी साथी थे उनको रातों रात, जैसे आज पेड़ काटने के लिए लोग पूरा तैयारी कर लिए हैं और जो साथी, जो मुख्य साथी वहाँ आवाज उठा रहे हैं उनको रात में पुलिस फोर्स उनके चारों तरफ घरों को घेर के उनको अरेस्ट करके, मतलब अपने नजदीकी थाना नहीं, एक दो थाना पार करके पिछले थाने में ले जाके मतलब उनको बैठाया गया और जब तक पेड़ की कटाई पूरा खत्म नहीं हुई तब तक उनको अपने कस्टडी में रख के वहाँ पे ऐसे पेड़ कटवाया गया। साथ ही जनमुक्ति मोर्चा छत्तीसगढ़ उस जिला में है जो जिला 1965 के दशक में वहां का दंगे राजा क्षेत्र जो मालो जिला में आता है वहां के पूरे जंगल को कटाई कर दिया गया था। उस जंगल का कटाई कर दिया था जहां पे उस समय अशिक्षित लोग रहते थे जो कभी ना विरोध किए थे, वहां पे खदान खुला हुआ था, एक ऐसा खदान जिसको भारत सरकार सार्वजनिक उपक्रम के रूप में चला रहा है, आज भिलाई की प्लांट के नाम से जाना जाता है। वहां पे खदान खुला हुआ था, वहां के जितने भी भोले वाले आदिवासियों के जंगल में खदान खोला गया था 1965 के आसपास और वहां एक कच्चा लोहा कैसे निकाला जाता है और उस कच्चे लोहे को किस तरीके से लोहा पक्का लोहा बनाया जाता है ये पूरा हिंदुस्तान में सबको जानकारी है। हम उसी क्षेत्र से रहने वाले हैं लेकिन मैं इस बात को बता देना चाहता हूं कि अभरण क्षेत्र में जिस तरीके से हसदेव है
वहां की जो जंगल है जो कटाई हुआ है, आज हम सब हमको हम सभी को ये पता है कि जंगल के कटाई होने से बहुत सारे जो समस्याएं आती है वो किस तरीका से आती है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ऐसी अगर जंगल का जो कटाई पूरे छत्तीसगढ़ में होता रहेगा तो आज जो दिल्ली में जो स्थिति है सांस लेने की वो पूरा छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि यहाँ इतना प्रदूषण है और एक स्वच्छ सुंदर स्वच्छ साफ हवा अगर हमको लेना है तो हमें ऑक्सीजन प्लांट लगाना हमें मजबूरी से हमारे घरों में रखना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से हम लोग इस जंगल को बचाना चाह रहे हैं ये पूरे देश के लिए है, लेकिन ये पहले दल्ली राजरा बालोद जिला इनमें एक चीज देखने को मिला है कि वहां किस तरह के जंगल काट के वहां विनाश का एक स्थिति पैदा हो चुका है। अभी दो साल पहले 2022 में मोदी सरकार कानून लेकर के आई वन संरक्षण नियम 2022। जब हस्तदेव की बात आ रही है तो हमें वन संरक्षण नियम 2022 की बात को करना पड़ेगा साथ में। उन्होंने उसमें इस बात को रखा उस कानून में कि यदि देश का कोई भी उद्योगपति कोई भी उद्यमी कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, कोई उद्योग लगाना चाहता है, कोई भी काम करना चाहता है तो वो देश का कोई भी जंगल ले सकता है, उसे काट सकता है। और यदि वो जंगल लेगा तो उसके बदले में उसे कहीं दूसरी जगह जंगल लगाना पड़ेगा। और उसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाने की बात की और वो कमेटी को टाइम भी दिया कि यदि वो जंगल 10 हेक्टेयर है तो उसको 6 महीने का टाइम होगा, यदि वो जंगल 5 हेक्टेयर है तो उसको कम टाइम होगा, और यदि और बड़ा जंगल है तो उसको थोड़ा और ज्यादा टाइम होगा। वो कमेटी बनाने का प्रस्ताव उन्होंने उसके अंदर रखा और देश का जितना भी कॉरपोरेट घराना है उसको ये छूट दे दी कि वो जंगल को काटे। और यदि आप सपोज कीजिए कि हस्तदेव का अडानी 100 हेक्टेयर जंगल नहीं काट रहा है तो उसको सरकार अप्रूवल दे देगी बिजली के लिए, कोयला निकालने के लिए, या कोई भी वहां पर वो कोई भी काम करना चाहता है, अपना मुनाफा कमाने के लिए कोई उद्योग लगाना चाहता है, और बदले में उससे बोलेगी कि तुम दूसरी जगह पेड़ लगाओ। तो ये जो सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं ये पेड़ और जंगल को अभी समझते ही नहीं है। मेरा ये मानना है कि जो जंगल है वो एक नेचुरली सैकड़ों सालों में हजारों सालों में डेवलप होता है, उसमें हजारों तरीके की फ्लोरा फौना पेड़ पौधे पत्तियां जंगल जानवर बहुत सारे कीट पक्षी बहुत सारी चीजें डेवलप होते हैं, वो कोई जंगल नहीं होता। लेकिन हम देख रहे हैं कि भारत सरकार बकायदा इसके लिए 2022 में एक पूरा एक्ट ही लेकर के आ गई और 2023 में इसका कानून भी उन्होंने बनाने की तरफ कदम आगे बढ़ा दिए। तो एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि देश के अंदर ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर आम आदमी को जंगलों से बेदखल किया जा रहा है। वो 25 करोड़ लोग जो 2.25 लाख गाँव के अंदर जंगलों के आसपास रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उनको घास लाने से, उनको जड़ी बूटी लाने से, उनको लकड़ी लाने से, अपने जीवन चलाने से रोका जा रहा है, उनको बेदखल किया जा रहा है। और दूसरी तरफ अडानी को अंबानी को हम लोग देख रहे हैं कि बकायदा जंगल काटने की छूट दी जा रही है, उसके बीच में उद्योग लगाने के लिए उसको अधिकृत करने के लिए कानून बना दिए गए हैं और देश में खुली लूट चल रही है, कॉरपोरेट की लूट चल रही है, मल्टीनेशनल्स की लूट चल रही है। आप लोग यदि देखे होंगे 2-2.5 साल पहले द गार्डियन पत्रिका में एक ग्लोबल स्टडी निकला था, उसमें हमारा साथी कुछ लोग उसमें वो रिसर्च किए थे, तो हमारे जो इंटरनेशनल क्लाइमेट जस्टिस ग्रुप है उसमें कुछ साथी उसमें काम किए थे। तो पूरी दुनिया में जो 493 जिसको हम कार्बन बॉम्ब बोलते हैं, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट जो सिर्फ एक प्रोजेक्ट से 100 करोड़ टन से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का पोटेंशियल है। तो हस्तदेव का जो कोल फील्ड है वो उससे काफ़ी बड़ा है, मतलब दुनिया में जो कुछ चुनिंदा कार्बन बॉम्ब को आइडेंटिफाई किया गया है, हस्तदेव इज वन ऑफ दैट कार्बन बॉम्ब। मतलब हस्तदेव जैसे यदि उसके जंगल काटने के बाद वहाँ का कोयला निकाला जाए पूरा और जलाया जाए तो सिर्फ उससे इतनी कार्बन डाइऑक्साइड, और बाकी तो छोड़ दीजिए, लेकिन सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड इतना उत्सर्जन होगा जो आपको क्लाइमेट सिस्टम को बिगाड़ने के लिए, पूरी दुनिया का क्लाइमेट सिस्टम को बिगाड़ने के लिए ऐसे कुछ कार्बन बॉम्ब काफ़ी है। आप देखेंगे जो फाइनेंस आते हैं, जो पैसा आते हैं, इतनी बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी पैसा आते हैं,
और देश का जो नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसमें सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक आज काफी चर्चा में है, लेकिन इससे पहले से भी चर्चा में है क्योंकि स्टेट बैंक, LIC, भारत का कोयला प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा इन्वेस्टर्स में ये है। तो भारत का जनता का पैसा से शुरू करके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो IFI जिसको बोला जाता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये पूरा एक चेन बना हुआ है जहां भी इस ढंग का प्राकृतिक संपद जो इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए मिलेगा व आइडेंटिफाइड होगा, वहां से जो आदिवासी है, जहां यहाँ आदिवासी लोग रहते हैं, यही काम दुनिया में बहुत जगह में अलग अलग देशों में जो इंडिजिनियस पीपल और बाकी रूरल एरिया से काम हो रहा है। सरकार को बोलना है कोयला प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। यदि भारत सरकार का आंकड़ा देखे, मिनिस्ट्री ऑफ कोल का, कोयला मंत्रालय का आंकड़ा देखे, भारत में जितनी कोयला खदान आज चल रहा है वो करीब 55-65% कैपेसिटी में चल रहा है। मतलब भारत में आज के 870 मिलियन टन कोयला प्रोडक्शन होता है सालाना। यदि जो एग्जिस्टिंग कोल माइंस को प्रॉपर्ली चलाया जाए, उसके मतलब कोल अच्छा है ऐसे नहीं है, लेकिन नया जगह में यदि जाके ना काट के एग्जिस्टिंग कोल माइंस को सही चलाया जाए तो भारत में आज एक भी नया कोयला खदान का जरूरत नहीं है। और भारत सरकार बार बार झूठ तो बोले गए, सिर्फ देश में नहीं बाहर में भी, जिन्होंने थोड़ा जिक्र किया, ग्लासगो क्लाइमेट कप में 2 साल पहले भारत सरकार, उसके पहले से भारत सरकार का स्टेटमेंट था भारत में नेट डिफोरेस्टेशन रेट 0 है। तो हसदेव में कट नहीं रहे जंगल, बाकी जगह में सिंगरौली में जंगल कट नहीं रहे, नेट डिफोरेस्टेशन रेट 0 है। ये एक बड़ा झूठ है। क्लाइमेट मतलब कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है। आज किसानों के ऊपर इसका असर बहुत पड़ रहा है। भारत में पिछले साल 270 दिन हीटवेव डेज किया, जो मजदूर काम करते हैं, शहर में भी काम करते हैं, भारत में 6 करोड़ के ऊपर 6-7 करोड़ निर्माण मजदूर है, 3.5-4 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स है, 4-5 करोड़ पोर्टर्स, एक्स्ट्रा पुलर्स ऐसे हैं, और ये शहर में गर्मी में काम करते हैं। तो यदि इस ढंग का मैसिव हीटवेव जो हो रहा है, अर्बन फ्लडिंग बढ़ गया है, एग्रीकल्चर खेती के ऊपर भयंकर असर पड़ रहा है, जो 2022 में हमें गेहूं का प्रोडक्शन कोलैप्स करने में देख चुका है। तो ये जो लड़ाई है, हर जगह में लड़ाई चल रहा है, लोग अपना आजीविका बचाने के लिए, अपना जमीन बचाने के लिए, घर बचाने के लिए लड़ रहा है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा ये लड़ाई सिर्फ इनका घर जमीन और आजीविका का लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई हमारा अपना फ्यूचर को सिक्योर करना, हमारा बच्चे को, आज के दिन में युद्ध को, आने वाले पीढ़ियों को एक रिजनेबल धरती में जीने का अधिकार का संभावना रहेगा, तभी यदि इसको बड़े स्केल में हम बंद कर पाए। और इसके लिए हमें, मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ इसलिए माफी मांगता हूँ, इसके लिए स्ट्रैटेजी के ऊपर जोर हमें ज्यादा देना पड़ेगा, ना कि हम सिर्फ अपना कहानी सिर्फ रिपीट करें, उसके आगे जाके कैसे हमें इसको रोकना पड़ेगा। इस सरकार का जमाने में भी कैसे रोका जाए, ऐसे नहीं है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं है इस सरकार के सामने रोका नहीं जाएगा। हम लोगों ने आज से, अभी 2024 है, 2016 में इसी प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्रित्व है, आज के दिन में सबसे इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन व कॉरपोरेट घराना अदानी, उनका 3000 मेगावाट कोयला पावर प्लांट का प्रपोजल गुजरात में हमने रोका है, और 2016 का मई से अभी तक वो नहीं बना है। भारत के सबसे बड़े जंगलों में से एक है छत्तीसगढ़ का हसदेव अरण्य फॉरेस्ट। इट्स एक्सपैंड अबाउट 1.5 लाख हेक्टर्स ऑफ लैंड, विच इज रफली द साइज ऑफ 3 times द साइज ऑफ Mumbai city, right? It's a rich and biodiverse region, जहाँ Wildlife Institute of India has conducted studies to prove that coal mining will be severely disastrous if conducted in that region for both the wildlife as well as the people there. इस deforestation का primary beneficiary है Adani Enterprise Limited,
which has a 74% stake in a joint venture with Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited to carry out coal mining in the region. KP rule states in particular, police harassment and repression on the struggling people has been especially severe. March 2023 को मध्य प्रदेश में 35 आदिवासियों का अरेस्ट हुआ था बुरहानपुर से, जिनमें से 15 महिलाएं भी थी. In the past 7 years alone, there have been 444 deaths, the primary reason for which has been subversion of forest laws by big industrialists, hoteliers and private players in the tourism industry. सोच और संगीत वही है, लेकिन हम लोग इसे अपने शब्द में, अपने विचार में आप सभी के समक्ष परोसने जा रहे हैं. उठो अब तो साथी, हम हैं आदिवासी, हंसते हो जंगल बचाएंगे, करेंगे मिलके लड़ाई. हम आदिवासी, हम मूल निवासी, हम आदिवासी, हम मूल निवासी. उठो अब तो साथी, हम हैं आदिवासी, हंसते हो जंगल बचाएंगे, करेंगे मिलके लड़ाई. हम आदिवासी, हम मूल निवासी, हम आदिवासी, हम मूल निवासी. आज खजाना लूटने वाला लूट चुके हैं, जल जंगल जमीन लूटे, हवा की लूट बचे हैं. बंगला गाड़ी सब तो दिए, क्या बचे है सजाना. हर दान लूटे जंगल को लूटे, क्या बचे है पुराना. अंग्रेज जमानत लूटते आ रहे, अब न कहेंगे मनमानी. हम आदिवासी, उठो अब तो साथी, हम हैं आदिवासी, हंसते हो जंगल बचाएंगे, करेंगे मिलके लड़ाई. हम आदिवासी, हम मूल निवासी, हम आदिवासी, हम मूल निवासी. ये झूठा सरकार तुम्हारा न चले सियानी, जल जंगल जमीन हमारा है, पूर्वज का निशानी. कटेगा जंगल तो न बचेगा भूल भर पानी, नहीं करेंगे तो नहीं बचेगा ये जिंदगानी. खदान लूट गए, जंगल लूट गए, लूट गए कपड़ा छानी. अब आदिवासी, उठो अब तो साथी, हम हैं आदिवासी, हर देव जंगल बचाएंगे, करेंगे मिलके लड़ाई. हम आदिवासी, हम मूल निवासी, हम आदिवासी, हम मूल निवासी. खून पसीना बहा के पूर्वज रख चिन्हारी, बुंदा धूर नारायण के सबके हैं कुर्बानी. लड़कर चोरों को मारेंगे बन के सिपाही, लिखेंगे नया इतिहास, संघर्ष की अमर कहानी. नया पीढ़ी के लिए बचाएंगे जंगल हवा और पानी. हम आदिवासी, उठो अब तो साथी, हम हैं आदिवासी, हर देव जंगल बचाएंगे, करेंगे मिलके लड़ाई. हम आदिवासी, हम मूल निवासी, हम आदिवासी, हम मूल निवासी.